Ay, el Google no lo filmó. Ay, no, es bien, ¿no? Mira. ¿Qué? Creo que tengo que volver, ¿no? ¿Qué? Yes, Karna. Hello. Goodbye. Horrible. Yeah, we're No tengo que estar tsunami. Mira la brinda. Hello. Hello, Aman. Hello, Maji. Maji, Dada. Tamarani, Haribol. Haribol, Haribol, Jai Haribol. Haribol. Se quedó ahí en el árbol. Oh, no.
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते यहाँ उपस्थित हुए हैं। यही है श्री उद्धव कुंड, जबकि श्री उद्धव जी कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर मथुरा से ब्रज में आए। ब्रज गोपियों के विरहमय महाभाव को दर्शन किया। नंद यशोदा आदि के ब्रजवासी जनों के प्रेम विरह को देखा। महान विरह विप्रलम्बमय प्रेम को देख करके उस समय उनके पास कोई संदेश पानी जो कुछ ब्रज गोपियों को सांत्वना देने के लिए हो यह भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेम की पाठ सीखने के लिए कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा। उन्होंने लाया था ज्ञान की गठरी, परंतु यहाँ समाप्त हो गई। अब प्रेम की बाढ़ में बह गए उद्धव जी, जबकि ब्रज गोपियों के महान प्रेम को दर्शन किया और उनके साथ में ब्रज के समस्त स्थानों का दर्शन किया, सर्वत्र भ्रमण करते हुए कृष्ण लीलाओं को श्रवण किया। उस समय यहाँ आकर के ब्रज गोपियों के चरण धूलि की प्रार्थना करते हुए कहा, एता परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा, अहो इस संसार में जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रज गोपियों का, क्योंकि निखिल आत्मा गोविंद सबके अंतर्यामी सबके परमात्मा है, सबके हृदय में है, परंतु कितने लोगों के अंदर इतना भाव हो सकता होता है। ब्रज गोपियों का जैसा भाव न भूतो न भविष्यति ऐसा तो कहीं नहीं है। जिस भाव के एक अंग को पाने के लिए हम सभी लोग ललचते हैं, प्रार्थना करते हैं, किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य, भगवान अनंत की कथा रस से वंचित हो करके ब्रह्मा जैसे जन्म पा करके भी क्या लाभ, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के उच्च अभिमान लेकर के भी क्या लाभ होगा यदि जीवन में एक भाव का कर्ण नहीं आया। हम लोगों का जीवन कहाँ विषय मलिन और विषय वासना से दूषित, कहाँ ये ब्रज गोपियाँ वृंदावन विलासिनी हो करके ब्रजचारिणी वृंदावन में रहती हैं, तो वृंदावन वासिनी ये ब्रज गोपियाँ कहाँ जहाँ कृष्ण भाव में तन्मय है, और कहाँ हम लोग विषय वासना के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य के शिकार बने हुए हैं। तो हम लोग कहाँ हम नीचे गिरे थे। यदि इन ब्रज गोपियों की कथाओं को कैसे भी जाने अनजाने कैसे भी दवाई के रूप में सेवन कर ले, उन कथाओं को श्रवण करें, निश्चित ही दवाई का जैसा ही काम करेगा, इसलिए कोई संशय नहीं है। श्री उद्धव जी ने प्रार्थना की, इस ब्रज गोकुल में इस वृंदावन में मैं त्रिण गुल्म लता होकर के जन्म ग्रहण करूं, कि यहाँ जितने जितने घासे हैं, महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के जितने बार लीलाएं हुई हैं सर उद्धव जी ही घास बने हुए हैं। श्री उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे घास बनकर गुल्म लता बन करके मेरा जन्म हो जाए, और ब्रज गोपियाँ जब भाव में विभोर होकर कृष्णाभिसार में चलती है तब उनके चरण धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए। इस तरह से श्री उद्धव जी कहते हैं कि राष्ट्रपी उत्सव में जो सौभाग्य लक्ष्मियों को देवियों को प्राप्त नहीं हुआ, विश्व संसार के और किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हुआ, वह एकमात्र ब्रज गोपियों को संभव हुआ है। कृष्ण के रास रूपी उत्सव में सम्मिलता हुई, और जहाँ पर कृष्ण ने उनको मनाने के लिए उनके गलदेश धारण करके प्रार्थना करते हैं, विश्व नायक अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल कला गुरु भगवान हो करके भी गोपियों को मनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्ना ब्रज स्त्री और क्रम चित्त जाना, अहो ब्रज गोपिया धन्य, और कृष्ण स्वयं मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार उन गोपियों की चरण धूलि की वंदना करते हुए यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिस्म जासाम हरि कथो गीतम
पुनाते भुवना त्रयम्। जो संसार को पावन करने वाली ऐसी कथाएं हैं, उन ब्रजगोपियों के चरण रेणु की हम वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु अभिश्रस, मैं नित्य निरंतर उन ब्रजगोपियों की चरण धुल की वंदना करता हूँ, जिनके चरण धुल के प्रभाव से समस्त संसार पावन हो जाता है। ऐसे चरण धुल की वंदना करते हुए शिव उद्धव जी यहाँ पर गुलमलता होल करके ही बन करके ही रहे, जबकि श्री बैजनाथ जी को सूर संदेश का राजा बनाया गया। उस समय यहाँ ब्रज प्रदेश में आए, ब्रज भूमि को पुनः संस्कार करने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। जब इस स्थान पर आए शांतिल ऋषि और बहुत से व्यक्ति उनके साथ में है, उन सभी के साथ में आए, उनको पता नहीं कहाँ पर कैसे प्रकट करें, तब श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। यहाँ पर समस्त देवता लोग आए, कीर्तन भी हुआ और भाव में विभोर होकर के उन्होंने अपने अद्भुत भाव को प्रकट किया है। और उसके साथ साथ इस स्थान में समस्त स्थानों को व्यक्त किया कि ऐसे ऐसे स्थान है, उन स्थानों को प्रकाश किया जाए। इस प्रकार बैजनाथ जी ने समस्त ब्रजभूमि के स्थानों को प्रकाशित किया। श्री उद्धव जी यहाँ पर रह करके हम सभी पर अनुग्रह करते हैं, हम उनके अनुग्रह कृपा प्रार्थना करते हैं। पंचावतार कृपा सिंधु पावन मम ज्ञान ज्ञान The place where we have come under the guidance of Guru and Vaishnava. This place is called Uttamkund. Maharaj has already described so many times, very very prominent place. When Krishna went to Mathura, at that time he sent Uttam, one of his great intimate counselor, friend and what not. In fact, he wanted to teach Uddhav the real extent of love. Uddhav was very much affectionate to Krishna, but he was having some vanity of dhyan. When he came here, at that time, Krishna asked him to console Brajvasis, his mother, his father, and also deliver some message to gopis. When Uddhav came here, and he saw the state of Yashoda Ma and Nand Baba, he could not console. He saw the extent of their love. And when he went to gopis, he was totally flat. He could not reply their anything. He saw that how high is the love of gopis. He found really Krishna is living here only. And then his Gyan, the vanity of Gyan, that was totally smashed. And he surrendered to gopis. He rendered many prayers in which he is admiring and glorifying gopis. He says that their life is a real life and their love is real love. He prayed to the dust of gopis' lotus feet and he aspired to become a grass on this place, a vegetable on this place, so that he can get and receive dust of those gopis. So this is very very intimate place. This Uddhavkund pertains to Uddhav. Here Shivanand Prabhu is also saying that when Parikshit Maharaj Vajranav, he came here to find out the lost and hidden past places of the Krishna's pastime, they took Chandelier, Rishi and other sages also. At that time they did some kirtan. Then Uddhav also manifested himself in front of them and they found out many places of Krishna's pastime. God Premanande Hari Hari. 6 महीने या 3 महीने
ब्रज में रहे, उस स्थान में भी आए होंगे, सब स्थानों में घूमे और कृष्ण की लीला का गोपियां जो स्मरण करती थी उसको वो सुनते थे। यह उद्धव कुंड उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी कि गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मैं ब्रज में कहीं लता गुण न हो जाऊं। पाशाम हो चरण रेण जुषाम हंस, उनकी चरणों की धूलि की पूजा करने के लिए कि वो हमारे ऊपर में चरण रख दें, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इसलिए गोल लता घास होने की चेष्टा की। किंतु पीछे से जब वो मथुरा लौट गए और मथुरा से द्वारका चले गए और कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो उद्धव जी बड़े विरह में मग्न हो गए और कृष्ण के उपदेश अनुसार में ब्रज से होकर के चले गए बद्री नारायण। वहां पर मैत्री ऋषि से मिले और फिर वहां से लौट करके आए ब्रज में और ब्रज में कुसुम सरोवर में जहां पर की गोपियां पुष्पों का चयन करती हैं, कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण के लिए अभिचार करती हैं, यहीं पर आकर के घास बन गए, त्रिल लता गुल्म बन गए। पास ही में उधर में कुसुम सरोवर है, इधर में उद्धव गुण, ये उद्धव जी का स्थान है। उद्धव जी के कृष्ण के विरह में यहाँ पर कृष्ण के लिए चिंतन करने का स्थान है। ये यहाँ पर गोपियों से मिले थे नंदगांव में और यहाँ पर ये घास हो करके गुल्म लता हो करके आराधना कर रहे हैं गोपियों की चरण की धूली को पाने के लिए कि गोपियों जैसा भाव हमारे अंदर में आ जाए। उद्धव जी को प्राप्त हुआ कि नहीं ये तो ठीक नहीं, किंतु इन्होंने आराधना की है गोपियों की चरणों में गुल्म इत्यादि हो करके, जो गोपियां कृष्ण से अभिचार करेंगी और उस समय उनके चरण की धूली हमारे शरीर पर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर घास हो करके हो गए, यहाँ पर जितनी घासें देखते हैं ये सब उद्धव जी हैं। एक एक जन्म में एक एक घास भी होने में ये सब घासें हैं। जिस समय में ये घास हो गए और इसके बाद में यह स्थान उजड़ गया पूरा ऊपर से, उस समय में परीक्षित महाराज जी के अनुगत्य में बज्रनाभ जी ने स्थान स्थान पर मंदिर बनाया, कृष्ण की लीला स्मृति के लिए कुंड बनाए, यहाँ पर भी कुंड बनाया और अब राधा कुंड श्याम कुंड बनाया। हरिदेव जी को उन्होंने स्थापन किया वृंदावन में, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की स्थापना की, दाऊ जी की स्थापना की, गोपीश्वर महादेव की स्थापना की, ये सब बज्रनाभ जी के हैं कृष्ण लीला की स्मृतियों के लिए। तो जब यहाँ आए स्थान उजड़ा हुआ, उस समय में शांडिल ऋषि इत्यादि उनके साथ में थे, उन लोगों ने देखा जैसे कृष्ण कैसे प्रकट होंगे और उद्धव जी का दर्शन कैसे होगा, तो उन्होंने कीर्तन करना आरंभ किया। कीर्तन जब आरंभ किया तो अर्जुन मृदंग लेकर के पहुंच गए, देवता लोग से भी आ गए, शंकर जी भी नृत्य करने लगे। जब खूब नृत्य जोर से जबकि कीर्तन होने लगा तो घास से उद्धव जी निकल करके वहां पर प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी की। उद्धव जी प्रकट हो गए और वो भी नाचने लगे। जब वो नाचने लगे तो फिर क्या हुआ, गोपियों के साथ में राधा और कृष्ण भी उस लीला में प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। सब लोगों ने उसको देखा और थोड़ी देर के बाद में वो लीला अंतर ध्यान हो गई। ये वो स्थान है जहां पर कि उद्धव जी ने, जो उद्धव जी घास के रूप में हैं और सब समय आराधना करते हैं कि इसलिए राधा जी की दासी की दासी की दासी बन जाऊं, ये आराधना कर रहे हैं स्तर। तो जरा उनके लिए मुश्किल है क्योंकि कृष्ण लीला के परिकर है ना, इसलिए उनके लिए मुश्किल है। किंतु जो ही तटस्थ जीव से जो यहाँ आते हैं और गोपियों के अनुगत्य में, महाप्रभु जी के अनुगत्य में, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, उनके लिए सहज होता है। किंतु उद्धव त्यागी के लिए बड़ा कठिन है। प्रेम तो है किंतु वो प्रेम जो राधा जी की
गोपियों की दासी बन जाएंगे, रुक्मिणी के अनुगत्य में दासी बन जाए, ये बड़ा भारी कठिन। इसलिए आप लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि हम लोग भी राधा जी की दासी बन सके। उद्धव जी आप हम पर कृपा करें और प्रार्थना करके आगे चलेंगे और आगे ये सब के संबंध में बतलाएंगे। दासी बनने की कृपा करें तो कहेंगे Uddhav came to Nandgram from Mathura as he was being sent by Krishna. He wanted to console Nand Baba and Yashoda and gopis and gopis, but alas, he could not do it. And at the end, he started praying. The extent and mood of separation which I have seen, O gopis, your this mood and your this mood of separation is so much high and elevated that it will purify the whole world and universe. He stayed here for 3 months or 6 months. He stayed with so many gopis and gopis. And saw their state of love for Krishna, extent of love for Krishna. And when he saw it, he was so much attracted by this love and found himself that it is not possible for him to attain that love. He prayed to become a blade of grass here. He prayed to become a creeper here or any vegetation, whatever may be. Why? So that he may get a dust and lotus feet of gopis and Krishna. Maharaji is explaining, just at that side is a Kusum Sarovar. When Uddhav came here and he stayed here for 3 months and rendered prayer to become grass, he did not become grass. He went back to Krishna. And then he went to Dwarka. He stayed there with Krishna. When Krishna left this abode, at that time, as per instruction of Krishna, he went to Badrinarayan. Through this way, he came here and he met Maitreya Rishi there. He had a conversation with him and then he again came here and became blade of grass. After some time, when Parikshit Maharaj was having kingdom in Indraprastha, then Bhajana, great grandson of Krishna, with the help of Parikshit and other sages like Shandilya Rishi and all, they came here. Their purpose was to find out the different places of Krishna's pastime. Bhajana established here many temples, very many famous temples we are generally going. Haradeva Mandir was established by him. Radha Govind Mandir was established by him. Gopishwar was established by him. He dug many ponds here with the help of Chandelier Rishi and others. Now when they came here, they wanted to find out the place. Maharaj is explaining very nicely. At that time they thought, how can it be possible that they should know something about this blessed place? They started doing kirtan. The kirtan was very much ecstatic. Just after some time they saw that Arjun came playing over mridanga. And Shankar also came and dancing. And in little while, Uddhav also came from this place. And when Uddhav started doing kirtana, then what happened? That Krishna, Radha Krishna with the gopis and gopis, they also came and they started doing kirtan. So much jubilant kirtan was being performed here and it was a wonderful sight. And after some time everything disappeared. This is that place where we have come. Uddhav prayed for it. He had a desire to get the mood of gopis. But he is eternal associate of Krishna in the Dwarka. It is very difficult for him to adopt this mood. But any person, any devotee who aspires to adopt this mood in accordance
accordance and guidance and in line of Rupa Manjari, he can have this mood as a servitor of Radha Rani in the mood of Manjari. So we can pray here because we are aspiring that mood. We should pray. We will get benediction. I ask Maharaj that can Uddhav give this benediction to us for which he is himself aspiring. Maharaj said yes. He can at least refer our prayer to Krishna because he is so close to Krishna. Gaur Premanande. Krishna then refer to Srimati Radhika and go. Then we will come in life. So for Uddhav, even astrology is still now Aradhana. But he is not having the mood of hope. But I think by the prayer of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Rupa Goswami, he can have this very rare thing also. That is why I have brought you that agree to Sadhu Gopi Sukhi Kami. This is very important. This is the purpose of our Guru Parampara. हम लोगों की गुरु परंपरा की यही है. हम लोग ले आए हैं इस स्थान में, दुर्लभ स्थान में. आप लोग इसको स्पर्श करके हृदय में ये भावना अंत तक आए कि हम लोग गोपी की दासी बनना चाहते हैं. राधा कृष्ण का दर्शन मिले उसकी सेवा पाएंगे. इसलिए दुर्लभ चीज के लिए ले आए हैं. हृदय में थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हो जाए. एक एग्री कम सिंग वर हार्ट इवन फॉर अ मोमेंट देन आई विल थिंक दैट योर वर्तमंडल परिक्रमा इज सक्सेसफुल and I pray to Krishna, to Uddhav, that your this desire should be fulfilled. Gaur Premanande. Now you are going to Radha Kunda. And Radha Kunda parikrama karke hum log lautenge, tab hum log ka Annapurna Mahamahotsav wahan par hoga. Khub savdhani ke saath mein, with very care, you should take ashram of Radha Kunda. And then come and try to take part in the Hari Katha. Gaur Premanande. Hare 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 Hare
चली गई। तो यदि कोई भजन करे तो उसकी बात क्या। शंकर जी ऐसा देखकर के बड़ा उनको उत्साह हुआ और यही पर करके भजन करने लगे, इसलिए इसका नाम हो गया शिवखो। वन शंकर वाज हियर एंड ही सॉ इन दिस प्लेस, दिस इज लाइक ए बाउंड्री ऑफ राधाकुंड, एंड ही सॉ दैट there was a sheep jackal. Some dogs began to bustle around and here they attacked and they cut in pieces and she dust off this place and she took a very beautiful gopi form and came in to go look. Shankar told that I have done so much study up till now, but I am not so fortunate to have a gopi form. ये बस्ती हम लोग लगा देंगे ना।